जय हिंद साथियों। भारतीय सेना के कार्यरत व राजस्थान के नागौर जिले के फिरोड गांव के निवासी सूबेदार बजरंग लाल जी डुकिया जम्मू कश्मीर में पेट्रोलियम के दौरान अपना कर्तव्य पथ पर कार्य करते हुए शहीद हो गए हैं। साथियों, प्राप्त जानकारी के अनुसार पेट्रोलियम के दौरान अचानक बर्फबारी होने से यह हादसा हुआ। इसी दौरान वे बर्फ पिघल गया और वह शहीद हो गए। सूबेदार बजरंग लाल एक महीने पहले ही छुट्टी खत्म होने पर गांव से ड्यूटी पर लौटे थे। बजरंग लाल के शहादत की सूचना मिलते ही गांव और गांव के आसपास के क्षेत्र में मातम परस गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साथियों, हम आपको बता दें कि उनका पार्थिव शरीर आज तिरंगे में लिपटा हुआ सड़क मार्ग होते हुए उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। साथियों, हम आपको बता दें कि उनकी अंतिम यात्रा में जय जवान के नारों के साथ जब तक सूरज चांद रहेगा बजरंग तेरा नाम रहेगा के नारों के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली। साथियों, हम आपको बता दें कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि सूबेदार 40 साल के बजरंग लाल कश्मीर की घाटी के ऊंची बर्फीली चोटी पर तैनात थे। दो दिन पहले पेट्रोलियम ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हो गई है। इसके बाद बर्फबारी के चलते हुए उनका शव को बेस कैंप लाना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार शुक्रवार को उनके शव को बेस कैंप लाया गया। उन्होंने बताया कि शहीद सूबेदार बजरंग लाल का पार्थिव देह शनिवार 11 बजे सैनिक विमान से दिल्ली पहुंच गया। साथियों, हम आपको बता दें कि स्थानीय शासन प्रशासन के लोगों ने बजरंग लाल जी को सोशल मीडिया से श्रद्धांजलि अर्पित की है। मां भारती के वीर सपूत को उनकी सेवाओं के लिए मेरा सच्चा नमन। भगवान मां भारती के वीर सपूत की आत्मा को शांति प्रदान करें और वीर परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।